नमस्कार छात्रों, आज इस कक्षा में हम लोग इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सूचना पुनः प्राप्ति भी हम इसे बोल सकते हैं। इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन की यहाँ पर हम लोग डेफिनेशन सबसे पहले समझेंगे। इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ पार्सिंग थ्रू अनस्ट्रक्चर्ड डेटा एंड एक्सट्रैक्टिंग इसेंशियल इन्फॉर्मेशन इनटू मोर एडिटेबल एंड स्ट्रक्चर्ड डेटा फॉर्मेट। तो यहाँ पर आपके रेफरेंस के लिए मैं यहाँ लिख रही हूँ, इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ पार्सिंग थ्रू अनस्ट्रक्चर्ड डेटा एंड एक्सट्रैक्टिंग essential information into more editable and structured data format। तो information extraction में हम लोग टेक्स्ट का पार्सिंग करते हैं और इस पार्सिंग के द्वारा, मतलब जो कि यहाँ पर हम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की, असंरचित डेटा की बात कर रहे हैं, उस असंरचित डेटा को पार्स कर उसके बाद उसे हम एक जो भी इसेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसे उसे हम लोग प्राप्त करते हैं और प्राप्त की हुई इन्फॉर्मेशन जो है वो आप कि स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन रहेगी, यूजफुल रहेगी और एडिटेबल फॉर्मेट में भी रहेगी। तो इसे और अच्छे से समझने के लिए हम लोग देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर मैं एक उदाहरण लिख रही हूँ कि व्हाइट हाउस डिक्लेयर दी वेकेशन, व्हाइट हाउस डिक्लेयर दी वेकेशन। तो यहाँ पर देखिए ये व्हाइट हाउस जो है ये किसी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी बिल्डिंग का नाम है। वेकेशन जो है वो हमें कुछ चीज़ दर्शाता है, नाउन दर्शाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये वर्ब दर्शाता है। तो यहाँ हमारा जो भी एक्सट्रैक्टेड इंफॉर्मेशन होगी वो आपकी, मान लो ये नाउन है, व्हाइट हाउस इज़ ए नाउन, पर फिर भी नाउन के साथ साथ ही वो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है। तो मैं अगर यहाँ बोलती हूँ बिल गेट्स इज ओनर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, ओनर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन और चेयर पर्सन ऑफ और वॉट एवर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो भी बोलना है। तो यहाँ बिल गेट्स इज अ ओनर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। तो यहाँ ये जो बिल गेट है ये आपका तो कोई नाउन है, ये तो बता ही रहा है, बट साथ ही में वो किसी पर्सन के बारे में या पर्सन के नाउन के बारे में बताता है। तो यहाँ ये जो पर्सन है, मतलब दिस बिल गेट इज अ पर्सन, बिल गेट इज अ पर्सन। अब ये माइक्रोसॉफ्ट जो है या फिर कॉरपोरेशन जो है, ये माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन चूंकि नाउन तो है, पर फिर भी इसके पीछे में और एक है कि हमें जो सेंस होता है उससे वो है कि ये ऑर्गेनाइजेशन है।
मान लीजिए कि हम अगर POS टैग करते हैं, यहाँ पर POS टैगिंग करते हैं, तो POS टैगिंग में क्या आएगा, बिल गेट में नाउन आएगा, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन में भी नाउन आएगा, इज ओनर में क्या आएगा, इज ओनर इज अ वर्ब आएगा, वर्ब फ्रेज आएगी, ठीक है। ऑफ जो है आपका प्रीपोजिशन आएगा, ये नाउन फ्रेज आएगी, ये भी आपकी नाउन फ्रेज आएगी। तो ये आपका POS टैगिंग का रिजल्ट है, जो कि POS टैगिंग आपकी सिंटैक्स लेवल पर काम करती है, सिंटैक्टिक लेवल पर काम करती है। पर अगर हमें इससे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है, तो बिलगेट नाउन फ्रेज तो है ही, साथ ही वो एक पर्सन के नाम को दर्शाती है। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ये नाउन फ्रेज है, पर ये एक ऑर्गेनाइजेशन के नाम को दर्शा रही है। ये हमें यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है, यहाँ से हमें ये सूचनाएँ प्राप्त करनी है। तो इस तरीके की सूचना को प्राप्त करने के लिए, या इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए कई सारे जैसे टेक्निक है। इस टेक्निक में से हम लोग एक टेक्निक को देखेंगे, जिसे हम बोलेंगे NER। बेसिकली NER को हम लोग पॉपुलरली तो बहुत सारी बुक्स में NER को NERC भी बोला गया है, और कहीं कहीं NER भी बोला गया है। तो मैं सबसे पहले इसका मतलब समझा देती हूँ, नेम एंटिटी रिकग्निशन। और कई सारे बुक्स में इस टास्क को NERC भी बोला है। NERC में नेम एंटिटी रिकग्निशन एंड इसे बोलते हैं क्लासिफिकेशन, ये दोनों भी साथ में चलते हैं यहाँ पर। तो हम लोग आज इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन में एग्जैक्ट क्या होता है, ये तो हमने देखा कि यहाँ पर जो पॉज टैगिंग में होता है, वो पॉज टैगिंग में होता है, वो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन में नहीं होता है। उसमें हम लोग नेम एंटिटीज़ को सर्च करते हैं और नेम एंटिटीज़ को रिकॉग्नाइज कर एक्सट्रैक्ट करते हैं। और यहाँ ये जो लेवल है, ये जो नेम एंटिटी रिकॉग्निशन की जो लेवल है, हम लोग जैसे यहाँ पर पॉज टैगिंग में सिंटैक्टिक लेवल बोल रहे थे, तो ये जो NERC मैंने अभी बताया, NERC पर्सन का नाम, ऑर्गेनाइजेशन का नाम एक्सट्रैक्ट करना, इसे हम लोग बोलेंगे सिमेंटिक लेवल। हेलो, ओंकार नहीं, आशीष गेला होता शायद, ठीक है, आशीष शायद गेला होता, घरी फोन करून बघा आता थोड्या वेळाने, क्लास चालू आहे माझा। तो यहाँ पर ये डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा कि हम लोग इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन में क्या करते हैं कि नेम एंटिटीज़ को रिकॉग्नाइज करते हैं और साथ ही में उसको क्लासिफाई भी करते हैं। अब ये जो NERC है, वो आपका सिमेंटिक लेवल पर काम आता है। अब हम लोग यहाँ इसकी पाइपलाइन को समझेंगे, जैसे कि कल हमने NLP पाइपलाइन को समझा था, वैसे ही यहाँ पर NER नेम एंटिटी रिकग्निशन की भी पाइपलाइन है, जिसमें हम कुछ फिगर्स ड्रॉ करेंगे ताकि आपको इसे आसानी से आप समझ पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये आपका टोकनाइजेशन वाला पहला बॉक्स बना रही हूँ मैं, फिर उसके बाद में सेंटेंस स्प्लिटिंग, फीचर एक्सट्रैक्शन, मॉडल एप्लीकेशन, डेटा टैगिंग और पोस्ट प्रोसेसिंग टैग डेटा। तो मैं एक एक कर ये जो NER पाइपलाइन है, इसे इस NER पाइपलाइन को मैं यहाँ पर बताती हूँ। तो देखिए इसमें सबसे पहला जो फेज है वो है टोकनाइजेशन का। जैसे कि NLP पाइपलाइन में टोकनाइजेशन होता है, वैसे ही NER पाइपलाइन में भी टोकनाइजेशन होता है। फिर उसके बाद में आता है सेंटेंस
स्प्लिटिंग, फिर हम फीचर एक्सट्रैक्ट करते हैं। बाद में मॉडल अप्लाई करेंगे, मॉडल एप्लीकेशन, हेलो, हाँ हाँ बेटा भी अम्मी बोलते हैं, क्लास चल रहे, क्लास चल रहे मतलब बोलते हैं। मॉडल को अप्लाई करेंगे और उसके बाद में डेटा टैगिंग और बाद में पोस्ट प्रोसेसिंग टैग डेटा। अब ये जो टोकनाइजेशन है जिसके बारे में हम जानते हैं कि हम लोग जो सेंटेंसेस या फिर जो डॉक्यूमेंट है उसको हम टोकन्स के फॉर्म में रूपांतरित करते हैं, फिर सेंटेंस को स्प्लिट करना, फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करना और फिर मॉडल एप्लीकेशन। ये जो मॉडल एप्लीकेशन है, मान लीजिए कि अगर आप स्टैटिस्टिकल बेस्ड, मशीन लर्निंग बेस्ड कुछ मॉडल्स अप्लाई करना चाहते हैं तो इस फेज को मॉडल एप्लीकेशन के अंडर में हम लोग कर सकते हैं। फिर हम डेटा को टैग करते हैं, पोस्ट प्रोसेसिंग होती है टैग्ड डेटा की, और फिर इसके बाद में यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि आपका जो भी डेटा है वो डेटा आपका नेम एंटिटीज़ में डिवाइड हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर मैं बता सकती हूँ, ये यहाँ से ये इस तरीके से ये जो पाइपलाइन है ये पाइपलाइन आगे आगे बढ़ते हुए जा रही है, और फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग नए एंटिटीज़ भी हमें मिल जाती है। तो ये जो एंटिटीज़ है ये एंटिटीज़ मैं इसे थोड़ा छोटा कर लेती हूँ ताकि आपको समझे, इस नेम एंटिटीज़ में हमें पर्सन, उसके बाद में लोकेशन, ऑर्गेनाइजेशन, इवेंट, इस तरीके की नेम एंटिटीज मिल जाती है। तो बेसिकली ये जो पाइपलाइन है हम इसे NER पाइपलाइन बोल सकते हैं। तो देखिए इस NER पाइपलाइन में मैंने जब इसके बारे में सर्च करना शुरू कर दिया तो NER पाइपलाइन में मैंने कई प्रकार के डायग्राम्स को देखा, तो उसमें से जो मुझे सरल लगा और जो कि आपके समझने में भी आपको आसानी जाएगी उस तरीके का यहाँ पर मैंने किया है। यहाँ इसे मैं नाम दे देती हूँ NER पाइपलाइन। तो इस प्रोसेसिंग में NER पाइपलाइन में शुरू से लेके तो आपके नेम एंटिटीज को पाने तक की सारी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताई गई है और इसको हम लोग आराम से डिटेल में देखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने पहले स्लाइड में यहाँ देखिए यहाँ बोला है कि NER को कई बार NERC करके भी एड्रेस किया जाता है। तो अब ये जो NERC है या फिर NER एंड C इस तरीके से है तो इसे हम लोग किस कैसे करेंगे इन द सेंस, ये देखिए NERC जो नेम एंटिटी रिकॉग्निशन एंड क्लासिफिकेशन बोला जाता है ये दो कार्य में बटा हुआ है। तो दो कार्य इसके कौन से हैं, एक है आपका NER दैट इज नेम एंटिटी रिकॉग्निशन और दूसरा है नेम एंटिटी क्लासिफिकेशन। तो नेम एंटिटी रिकॉग्निशन में क्या होता है कि एंटिटीज को केवल रिकॉग्नाइज किया जाता है और रिकॉग्नाइज करने के बाद NEC नेम एंटिटी क्लासिफायर उस एंटिटी को क्लासिफाई करता है। तो करेक्टली क्लासिफाई करना भी एक ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अब देखिए रिकॉग्निशन तो हो जाएगा, मान लो मैं यहाँ पर एक उदाहरण ले रही हूँ मे,
अब ये जो मे है, तो बहुत बार ये देखा गया है कि जैसे हमारे यहाँ तो ऐसा नेम नाम नहीं रखते हैं, पर इंग्लिश नेम ये हो सकता है, मे कैन बी अ इंग्लिश नेम, और साथ ही में ये एक मंथ का भी नाम है, नेम ऑफ मंथ और साथ ही नेम ऑफ पर्सन। तो यहाँ पर देखिए, ये जो नेम ऑफ पर्सन या फिर नेम ऑफ मंथ है, ये एनईआर क्या करेगा, इसे एनईआर रिकॉग्नाइज तो कर लेगा कि ये कुछ नाम है, या मतलब ये कुछ ऐसी एंटिटी है जो कि पर्सन को या फिर मंथ को दर्शाती है। पर यहाँ पर नेम एंटिटी क्लासिफायर इस एंटिटी को मे में कौन से बक्से में डालेगा, क्या मंथ में बक्से में डालेगा या पर्सन के, तो यहाँ पर ये क्लासिफिकेशन का टास्क आ जाता है कि वो करेक्टली उस एंटिटी को कैसे क्लासिफाई करता है। बिकॉज देखिए, इसमें इस नेम एंटिटी क्लासिफिकेशन में हम देख सकते हैं कि कई सारी एम्बिग्यूटीज आती है, जैसे कि मैं यहाँ पूजा लिख रही हूँ, तो पूजा क्या है, लड़की का नाम है, या फिर उस पूजा को हम बोल रहे हैं कि जो भगवान के सामने की जाती है। अब ये जो पूजा है, इसका क्लासिफिकेशन कैसे होगा, ये करेक्ट क्लासिफाई कैसे करेगा, इस एम्बिग्यूटी को कैसे रिजॉल्व करेगा, ये हमारा मेन मकसद है। तो NEC जो है, नेम एंटिटी क्लासिफिकेशन या फिर नेम एंटिटी क्लासिफायर डिजाइन करना, इटसेल्फ इज अ चैलेंजिंग टास्क। अब यहाँ मैंने बता दिया कि NER पाइपलाइन कैसी होती है, कि कौन कौन से टास्क होते हैं उसमें, NERC में जो दो कार्य स्प्लिट हो रहे हैं, NER और NEC, ये भी बता दिया। अब ऐसा है कि जब मैं यहाँ पर बोलती हूँ कि नेम एंटिटी रिकॉग्नाइजर और नेम एंटिटी क्लासिफायर, तो और एक टास्क है जो कि बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है, उसे हम बोलते हैं NEL। NEL का मतलब है नेम एंटिटी लिंकिंग, नेम एंटिटी लिंकिंग। अब ये जो नेम एंटिटी लिंकिंग है, इसका हम बोल सकते हैं बहुत सारे चैलेंजेस इसके साथ में जुड़े हुए हैं। ये जो टास्क है, बेसिकली ये टास्क ऐसा है कि वो नेम एंटिटी को तो रिकॉग्नाइज करता है, पर साथ ही जो नॉलेज बेस है, उस नॉलेज बेस के साथ उस नेम एंटिटी को लिंक भी करता है। तो ये जो रेफरेंस नॉलेज बेस है, देखिए यहाँ मैं लिख रही हूँ रेफरेंस नॉलेज बेस, रेफरेंस नॉलेज बेस से उस करस्पॉन्डिंग नेम एंटिटी को लिंक करना, उस करस्पॉन्डिंग नेम एंटिटी को लिंक करना, ये NEL में बेसिकली टास्क होता है, जिसे हम लोग नेम एंटिटी लिंकिंग बोलते हैं। तो एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि मिस्टर स्मिथ और जॉन स्मिथ, मिस्टर स्मिथ और जॉन स्मिथ, यहाँ देखिए मिस्टर स्मिथ और जॉन स्मिथ, मिस्टर स्मिथ और जॉन स्मिथ, बोली क्लास चल रही है, मिस्टर स्मिथ और जॉन स्मिथ, ये दोनों भी दिखने में तो अलग अलग है, पर हो सकता है कि वे एक ही पर्सन को दर्शाए, मिस्टर स्मिथ भी वही हो और जॉन स्मिथ भी वही हो। तो इस तरीके से ये वो हम बोल सकते हैं कि मिस्टर स्मिथ और जॉन स्मिथ, जब हम लोग नॉलेज बेस में देखेंगे, तो उस नॉलेज बेस में उस एंटिटी, जॉन स्मिथ और मिस्टर स्मिथ, ये एक ही एंटिटी है करके वो उस तरीके से लिंकिंग होनी चाहिए। तो इस वजह से हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कि नेम एंटिटी रिकॉग्निशन तो एक टास्क है, पर नेम एंटिटी लिंकिंग भी एक टास्क है, जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क बोला जाता है। अब यहाँ पर देखिए कि हम लोग एंटिटीज के बारे में देखते हैं, ये मैं मिटा देती हूँ।
एंटिटीज के बारे में देखते हैं। एंटिटीज के बारे में तो कौन कौन सी एंटिटीज नेम एंटिटी रिकॉग्निशन में होती है, तो बेसिकली जो पॉपुलर एंटिटीज है, जो पॉपुलर एंटिटीज या फिर नेम एंटिटीज है वो है आपका पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन, लोकेशन, डेट, टाइम, ये सारी पॉपुलर नेम एंटिटीज है। और इस नेम एंटिटीज को एक पॉपुलरली पॉपुलैरिटी कब से मिली, 1995 से। 1995 में जो MUC मतलब मैसेज अंडरस्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस, इस मैसेज अंडरस्टैंडिंग इस कॉन्फ्रेंस में 1995 में ये सारी नेम एंटिटीज को रिकॉग्निशन मिला कि पॉपुलर, सबसे पॉपुलर ये सारी एंटिटीज होनी चाहिए। पर अब क्या हो गया आगे कि जैसे ही अपना डेटा बढ़ा, सोशल मीडिया पे, ट्विटर पर, फेसबुक पर डेटा बढ़ने लगा और कई सारे जो रियल टाइम एप्लीकेशंस है, रियल टाइम एप्लीकेशंस में इस डेटा का प्रयोग होने लगा, तो ये जो एंटिटीज है, इतनी एंटिटी जो डिफाइन की गई थी MUC में, ये पर्याप्त नहीं थी। तो रियल टाइम एप्लीकेशंस को देखते हुए जो भी NERC टूल्स अभी भविष्य में या फिर अभी बनाए जा रहे हैं, तो इस टूल्स को, इस एप्लीकेशंस को ध्यान में रखते हुए ये जो नेम एंटिटीज है उसमें कई सारे एडिशंस आए हैं, कई सारे बदलाव भी आए हैं। तो जैसे कि देखिए, कई नई नेम एंटिटीज को भी यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया गया। जैसे कि देखिए, न्यूज़पेपर, ये भी एक नेम एंटिटी है। उसके बाद में मॉनेटरी अमाउंट, ये भी है। फिर उसके बाद ऑथर्स, म्यूजिक बैंड, फुटबॉल टीम, टीवी प्रोग्राम, आप देख सकते हैं ये सारे के सारे नेम एंटिटीज में आए हैं जैसे जैसे आपका NERC का उपयोग बढ़ा हुआ है और NERC कई सारे रियल टाइम एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए उपयोग में लाया गया है। तो अब ये जो NERC है, नेम एंटिटी रिकॉग्निशन एंड क्लासिफिकेशन, नेम एंटिटी रिकॉग्निशन एंड क्लासिफिकेशन में ऐसे हुआ है कि, हाँ एक मिनट का, रिकॉर्डिंग चालू है, हाँ एक का मिनट देते, एक का मिनट। तो NERC नेम एंटिटी रिकॉग्निशन और क्लासिफिकेशन में ऐसे हुआ है कि कई सारे कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस को इसके आधार पर सुलझाया गया है। तो देखिए, जैसे कि ऑन्टोलॉजी है, फिर ऑन्टोलॉजी बिल्डिंग हो गया, देन रिलेशन एक्सट्रैक्शन हो गया, क्वेश्चन एंसरिंग, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन, मशीन ट्रांसलेशन, सिमेंटिक अनोटेशन। तो ये सारे कई सारे ये जो कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस है, ये कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस में NERC का प्रयोग अभी हो रहा है
और ये NERC की वजह से इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे से आए हुए हैं। तो यहाँ हम लोग आज की जो कक्षा है उसमें हमने NERC कहाँ कहाँ प्रयोग में लाया जाता है, ये उसके जो एप्लीकेशंस है कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस उसकी लिस्ट देखी। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ एंटोलॉजी बिल्डिंग, एंटोलॉजी को बिल्ड करने के लिए भी NERC होता है। रिलेशन एक्सट्रैक्शन जो कि बहुत ही अभी पॉपुलर एरिया है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। क्वेश्चन आंसरिंग, सिमेंटिक एनोटेशन, मशीन ट्रांसलेशन, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन भी एक खुद एरिया है, ये NERI उसकी टेक्निक है। तो इसी के अंतर्गत, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन के अंतर्गत ही हम लोग NERC की पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये आपके कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस हो गए। हमने देखा कि एनी पॉपुलर नेम एंटिटीज कौन कौन सी है, और ये मैसेज अंडरस्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस में 1995 में पॉपुलर हुई है, और रियल टाइम एप्लीकेशंस के डेवलपमेंट के हिसाब से रीसेंट में ये भी जो नेम एंटिटीज है उसे भी हम रिकॉग्निशन मिल चुका है। और ये पाइपलाइन है NER पाइपलाइन। NERC को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। और यहाँ पर हमने इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन की व्याख्या की थी, और POS टैगिंग और NERC में दोनों प्रक्रियाओं में क्या अंतर है ये भी समझा था। नमस्कार।